हेलो प्यारे बच्चों, मैं संतोष प्रजापति इंग्लिश की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन का थर्ड लेसन डीप वाटर पर लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। प्यारे बच्चों, यह जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एसे है, वह उनकी प्रसिद्ध ऐसे ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब उनकी उम्र लगभग 11 साल की थी और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं तैराकी करूँगा। तो ये जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर यकीमा नदी भी बहती है, वो कोलंबिया रिवर की एक सहायक नदी है जो अमेरिका में बहती है और राइटर भी अमेरिका का है। लेखक अपने पंजों को ले करके, जो पाँव में लगा करके तैरा जाता है, ले करके YMCA जलाशय के पास जाता है, क्योंकि यकीमा नदी बहुत ही खतरनाक है, डरावनी है, गहरी है। माँ हमेशा वहाँ पर जाने के लिए चेतावनी देती है कि बेटा वहाँ मत जा। तो ये YMCA जलाशय पे जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर के तैराकी सीख सकें। YMCA जलाशय एक सुंदर सा जलाशय है जिसका एक छोर, प्रथम छोर यानी किनारा जो है वो लगभग 2 से 3 फीट है और गहराई में जब आगे बढ़ते हैं तो लगभग 9 से 10 फीट हो जाती है। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कोई वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं चलो इंतज़ार कर लेते हैं, 2-4 लोग आ जाएँ तो फिर मैं तैराकी करता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता है। तभी अचानक एक बहुत ही भले 18-19 साल का एक युवा व्यक्ति आता है, हट्ठा कट्ठा लंबा चौड़ा रहता है, और वह उसे कहता है, ओ दुबले पतले, ओ मरियल लड़के, डूबना पसंद करोगे, और उन्हें उठाता है और गहराई में फेंक देता है। वो गहराई जो 8-9 फीट थी वहाँ पर, लेखक जिस तरीके से उठा करके फेंका था उसी रूप में वह जा करके वहाँ पर गिरता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। वो सोचता है कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा वैसे ही पांव से तेज छलांग मारूंगा, ऊपर आ जाऊंगा और किनारे पर लेट जाऊंगा। लेकिन कुछ उनको वहां पर नहीं मिलता है, ना उन्हें कोई रस्सी का सहारा, ना किसी व्यक्ति का सहारा, ना उनके पांव पहुंचते हैं। वो चीखने का प्रयास करते हैं लेकिन मुंह में पानी भर जाता है, चीख बाहर नहीं निकलती है। वे अचेत अवस्था में लगभग हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वे अपने आप को किनारे पाते हैं और वही तंदुरुस्त सा लड़का उनको पेट के बल लिटा करके पेट को दबा दबा कर उनके मुंह से पानी निकालने का प्रयास करता है। और जब चेतना आती है पूरी तरीके से तो वह लंबा चौड़ा लड़का उनसे कहता, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेखक बहुत डर जाते हैं। लेखक को बचपन से ही वाटर फियर था। जब वो 3-4 साल के थे और एक बार वे अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं तो एक बड़ी सी सी वेव उनको कवर्ड कर देती है, ढक देती है, और ऐसे लगता है जैसे वो पानी के भीतर दफन से हो गए होते हैं। उसी समय से उन्हें पानी से भय लगने लगता है। लेकिन 10-11 साल की उम्र होने पर वे अपने भय को निकालने के लिए YMCA जलाशय पर जाते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा कांड हो जाता है, लड़का उठा करके उनको फेंक देता है और वे मरते मरते बचते हैं। लेकिन लेखक कई साल बीत जाता है, ना किसी तालाब, ना झील, ना जलाशय, ना सागर, ना महासागर, कहीं वो जाता नहीं है, पानी से इतना डरता है। लेकिन जब थोड़ी और उम्र बढ़ती है तो वो सोचता है कि मुझे अपने इस वाटर फियर पर, जो मेरे पास फोबिया हो गया है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, किसी तरह कॉन्कर्ड करें, जीत जाएं, ताकि इनको वाटर से कोई भय ना लगे। तो इन्होंने प्लान किया कि एक घटना तो बाल्यावस्था की थी, दूसरा 11-12 साल की अवस्था की घटना घटी थी, लेकिन अब मुझे पूरी तरह बुद्धि और विवेक है। तो उन्होंने अपने इस डर पर नियंत्रण करने के लिए तैराकी सीखने का दृढ़ निश्चय किया और एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। इंस्ट्रक्टर बहुत ही कुशल था और उन्होंने उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाने का वचन भी दिया। उसने लेखक के चारों तरफ कमर में बेल्ट बांध दी,
बेल्ट पे रस्सी बांध दिया और पुली के सहारे से उन्हें तैराकी सिखाने का प्रयास किया। लेखक सप्ताह में 5 दिन इंस्ट्रक्टर के द्वारा तैराकी सिखाया जाता था। लेखक छप छप करता ऊपर ऊपर तैरने का प्रयास करता और 3 महीने तक लेखक तैराकी सीखता रहा। और जब इसे अच्छी तरीके से तैराकी सीखना आ गया तो इंस्ट्रक्टर ने इसे पानी के भीतर ब्रीथ को होल्ड करने, क्योंकि इसी ब्रीथ को ना होल्ड कर पाने के कारण पहले शुरुआत में जब छोटा सा बच्चा था तब और जब 11-12 साल का बेटा बच्चा था तब 2 बार वह मरते मरते बचा था। इसीलिए पानी के भीतर तैराकी सीखना, अपने ब्रीथ को होल्ड करना अति आवश्यक था। लेखक ने इंस्ट्रक्टर ने उसे अच्छी तरीके से सिखाया और तब कई जलाशय में जाकर वह तैरा, नदी में, झील में, झरनों में, सागर में जाकर के उसने तैराकी की। और अपने उस डर पर, वो जो वाटर फोबिया उसे हो गया था, उस पर उसने नियंत्रण किया और बाद में चलकर उसने सभी झील झरनों को पार किया, बड़े बड़े महासागरों को पार किया। तो इस कहानी की थीम हमको यही सिखाती है कि अगर हम चाह लें तो हम अपने किसी भी अपने भीतर छुपी हुई जो कमी है उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और विलियम डगलस ने भी यही किया और जो उसे वाटर फियर था उस वाटर फियर को उसने दूर करने का प्रयास किया। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक शॉर्ट समरी। आओ अब लाइन बाय लाइन हम डीप लेसन को देखते हैं कि आखिर विलियम डगलस ने हमको क्या बताने का प्रयास किया था और इसको डिटेल में देखते हैं जिसकी समरी आपने देखी है। आओ देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन सारांश। यह प्यारे बच्चों आपका थर्ड लेसन डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने और जो लिया गया था ऑफ मैन एंड माउंटेन से। ठीक है, आओ देखते हैं लाइन बाय लाइन। विलियम डगलस कहते हैं इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 ईयर ओल्ड। यह तब घटित हुआ या यह घटना तब घटित हुई जब मैं 10 or 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरने सीखने का निश्चय किया था। डिसाइड करना माने निश्चय करना। देयर वॉज ए पूल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। यकीमा में, यकीमा एक नदी का नाम है और वास्तव में द यकीमा रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन। तो यकीमा जब भी है तो नदी समझना, ईस्टर्न वाशिंगटन की कोलंबिया रिवर की एक सहायक नदी है। यकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक ऐसा ही अवसर, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही अवसर प्रदान करता। यानी कैसा अवसर, अगर मैं यकीमा में सीखने के लिए जाऊं तो खतरा ज़्यादा है, YMCA में देखने के तैरने के लिए जाऊं तो खतरा कम है, लेकिन अवसर दोनों का सेम है। द यकीमा रिवर वाज ए ट्रीचरस, यकीमा जो नदी है वो एक अविश्वसनीय नदी है, वह एक खतरनाक नदी है। ट्रीचरस माने खतरनाक, डरावनी नदी है। मदर कंटिन्यूली वार्ड अगेंस्ट इट, माँ मुझे हमेशा इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और वह डूबने का, ड्रॉन माने डूबना, डिटेल माने विस्तृत वर्णन, DROW एंड ड्रॉन माने डूबना, याद रखना। और माँ मुझे हमेशा इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी और डूबने का जो विस्तृत वर्णन है वो मेरे दिमाग में हमेशा तरोताज़ा बनाए रखती थी। केप्ट फ्रेश माने तरोताज़ा, इन माई माइंड माने मेरे मस्तिष्क में हमेशा तरोताज़ा बनाए रखती थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, शुरुआती स्थान पर, शैलो एंड दिया है यानी जहाँ पर, या कह सकते किनारे पर, किनारे पर YMCA जो तरणताल था, जो जलाशय था, वो 2 or 3 फीट गहरा था।
एंड व्हाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पर अगर देखें तो यह लगभग 9 feet थे। यानी हम 2 feet 3 feet से धीरे धीरे अपनी गहराई बढ़ा सकते थे, 4-5 फिर 9 feet तक जा सकते थे, डूबने की संभावना कम हो सकती थी। द ड्राप वॉज ग्रेजुअल, ये जो ड्राप था, जो गहराई थी वो धीरे धीरे थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पूल, मैंने वाटर विंग माने होता जल, विंग्स माने होता पंख, मैंने जल पंखों को के एक जोड़े को उठाया एंड वेंट टू द पूल और जलाशय की ओर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट, मैं कह सकते हैं नेकेड इन टू इट, मैं नंगा इसमें जाने से बिल्कुल अंदर जाकर के अपनी जो स्किनी लेग्स है, दुबली पतली मरियल सी जो टांग है वो दिखाना नहीं चाहता था। यानी मैं YMCA नामक तरण ताल में या जलाशय में नंगे पांव जा करके अपनी पतली पतली टांगें दिखाना पसंद नहीं करता था। बट आई सबड्यूड, लेकिन मैंने दबाया, सबड्यूड माने दबाया, कुचला, किसको, माई प्राइड, अपने गर्व को, अपने अभिमान को दबाया। एंड डिड इट, और वह मैंने किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर, प्रारंभ से ही, बिगिनिंग माने प्रारंभ, प्रारंभ से ही आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे पानी के अंदर होने पर घृणा होती थी। ये वर्ड देखो, एवर्जन, एवर्जन माने घृणा करना, हेट, अभोर। When I was in it, जब भी मैं पानी के भीतर होता था या पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से घृणा होती थी। This started when I was 3 or 4 years old, या तब से हुआ जब मैं लगभग 3 या 4 साल का था। And my father took me to the beach in California, और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे लेकर गए। बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, हम और वो, यानी कौन, मेरे पिताजी, दोनों लोग किनारे पर थे। सर्फ, सर्फ माने हम लोग कह सकते हैं कि लहरें या टकराती हुई लहरें, SURF, सर्फ माने टकराती हुई लहरें। वह और मैं टकराती हुई लहरों में साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था। येट फिर भी, द वेव्स नॉक्ड मी, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया, नॉक्ड मी डाउन दिया है। नॉक्ड डाउन का मतलब धराशाही कर देना, गिरा देना। फिर भी लहरों ने, तरंगों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। बरीड माने दफन होना, वाटर माने पानी, मैं पानी में दफन हो गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई, मेरी अर्थात मेरी सांस रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और मेरे पिताजी हंसे, अट्टहास लगाए, यानी मेरे डर पर मेरे पिताजी को हंसी आ रही थी। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, परंतु लहरों को पराजित करने वाली जो शक्ति थी, ओवरपावरिंग माने जीतना या पराजित करना, फोर्स माने शक्ति, वेव्स माने लहरें, तरंगे, परंतु लहरों को पराजित करने वाले शक्ति का आतंक, डर मेरे हृदय में था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memory and stirred childish fear. YMCA के swimming pool के परिचय ने, introduction माने परिचय, YMCA swimming pool के मेरे परिचय ने revived, revived माने होता है come back to life, पुनर्जीवित करना, revived unpleasant memory, मेरी उन दुखद स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया। अनप्लीजांट माने दुखद, मेमोरीज माने स्मृतियाँ, रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित करना। YMCA स्विमिंग पूल से मेरे परिचय
के परिचय ने मेरे दुखद स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया एंड स्टियर्ड चाइल्ड्स फियर, और मेरे जो बचपन का भय था उसको जगा दिया। स्टियर्ड माने उकसा देना, जगा देना। बट लेकिन इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन कुछ देर में ही आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया या मेरे भीतर आत्मविश्वास आ गया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग, मैं अपने नए जल पैरों को पहने पहने हाथ पांव मारना प्रारंभ किया। पैडल्ड का मतलब होता हाथ पांव चलाना, वाटर विंग्स माने पानी के पंख या जल पर। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, मैंने नए जल परों को पहने पहने हाथ पांव मारना प्रारंभ किया, पैडल करना प्रारंभ कर दिया, हाथ पांव मारना प्रारंभ कर दिया और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयास किया। ट्राई माने प्रयास करना, लर्न का मतलब सीखना। मैंने दूसरे जो बच्चे थे जो तैर रहे थे उनको देख करके नकल करने का प्रयास किया। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा 3-4 बार किया। अन डिफरेंट डे, यानी अलग अलग दिनों पर अलग अलग तरीके से मैंने 3-4 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और अभी आत्मविश्वास मेरा आना प्रारंभ ही हुआ था, आत्मविश्वास आना प्रारंभ ही हुआ था व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक दुर्घटना, मिस एडवेंचर माने दुर्घटना, हैपेंड माने घटित हो गई। हुआ क्या था? आई वेंट टू द पूल, मैं जलाशय पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई ना था, मेरे अलावा कोई ना था, यानी एक दिन मैं ऐसे समय पर तरुण ताल पे गया, जलाशय पर गया जहाँ मेरे, जब मेरे अलावा कोई ना था। द प्लेस वाज क्वाइट, स्थान बिल्कुल शांत था, या कहें जलाशय बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और स्विमिंग पूल का जो फ्लोर था, जो फर्श था, जो बॉटम था, वो बिल्कुल ऐसे ही क्लीन था जैसे बाथ टब होता है। यानी टाइल लगा हुआ जो स्विमिंग पूल था वह स्नान के टब की भांति सफ़ेद था, स्वच्छ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं उस स्विमिंग पूल में अकेले जाने से डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं अन्य बच्चों की प्रतीक्षा करने के लिए जलाशय के किनारे बैठ गया कि 2-4 बच्चे आ जाएं तो फिर मैं तैरना वैरना प्रारंभ करूं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रोशर ऑफ ए बॉय, मुझे अभी वहां अधिक देर नहीं हुई कि एक बिग ब्रोशर, बिग ब्रोशर का माने शक्तिशाली, बहुत बड़ा हट्टा कट्टा शक्तिशाली लड़का, प्रोबेबली 18 years old, शायद 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर, उसके थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, उसके सीने पर घने काले बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह सुंदर स्वास्थ्य का, ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना लग रहा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसके भुजाओं पर, उसके पाँव पर, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मांसपेशियाँ रिपलिंग लहरा रही थी। ही एल्ड, एल्ड माने चीखना, वह चिल्ला करके बोला, हे स्किनी, ओ दुबले पतले, ओ मरियल, ओ पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डूबना कैसा रहेगा। विथ दैट, इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे पानी में मुझे उठा करके फेंक दिया। डीप एंड, गहरा, जहाँ पर 9-10 फीट गहराई थी वहाँ उठाकर मुझे फेंक दिया।
आई लैंडेड इन ए शिटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई स्थिति में ही आकर गिरा। लैंडेड लैंडेड माने गिरना। स्वालोड वाटर, छिछले पानी पर। स्वालोड वाटर सारी, स्वालोड माने निगल जाना, मैं पानी पी लिया, निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही तल पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट, पर मैं इतना नहीं डरा कि मैं अपनी बुद्धि अपने होशो हवास को खो दूं। क्योंकि ऑन द वे डाउन, क्योंकि नीचे गिरते गिरते आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी उछाल लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, सतह पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैर कर ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा, जलाशय के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता। लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाने का जो रास्ता था बड़ा लंबा प्रतीत हुआ। दोज 9 feet, वो 9 feet वेयर मोर लाइक 90 feet से ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले मैं जमीन छू पाता, बॉटम छू पाता, माय लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, मेरे फेफड़े फटने लगे। माय लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, मेरे फेफड़े बिल्कुल फटते हुए प्रतीत हुए। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, पर जब मेरे पैर जमीन को टच किए, छुए या लगे, आई समंड ऑल माय स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। वैसे समंड माने होता बुलाना, लेकिन अगर समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब हुआ मैंने अपनी पूरी ताकत कलेक्ट की। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्पेयरिंग अपवर्ड, और अपने ख्याल में मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। स्प्रिंग माने उछलना, अपवर्ड माने ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर पूरी ताकत से छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की या मैंने सोचा, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कार्क, मैं कार्क की तरह उछल करके, बॉब माने उछलना, मैं कार्क की तरह उछल कर सतह पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ अलग। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपेंड माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, और मैंने पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। वाटर माने पानी, यानी जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मैं पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। वाटर पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो थिंग, ऐसा पानी जो कुछ गंदे गंदे पीले पीले रंग की तरह था। आई ग्रू पैंकी, मैं घबरा गया था। आई ग्रू पैंकी, मैं घबरा गया था। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज इफ, मानो कि टू ग्रैब ए रोप, एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, जैसे मैं किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ। ग्रैब माने पकड़ना, रोप माने रस्सी, ऐसे लगता था जब मैं से किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ। बट माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, पर मेरे हाथ ने सिर्फ पानी को पकड़ा। क्लच्ड माने पकड़ने, मैं जल्दी जल्दी मुट्ठी को भींच रहा था, जल्दी जल्दी पकड़ने का प्रयास कर रहा था, कि जैसे मानो मैं कोई रस्सी पकड़ रहा हूँ, लेकिन हाथ में सिर्फ पानी आते थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेशन माने होता घुटन, और सफोकेटिंग माने दम घुटना, पास्ट कंटिन्यूअस है, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू यल, मैंने चीखने का प्रयास किया। बट नो साउंड केम आउट, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं, यानी पानी के भीतर मैं था, कहाँ चिल्ला पाऊँगा, क्योंकि जैसे मैं खोलता था पानी भर जाता था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर पहले मेरी आँख, फिर नाक बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया।
आई फ्लेलेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वेलिंग स्वालोड एंड चोकड मैं हाथ पाँव मारता हुआ सतह तक आया स्वालोड पानी निकला चोकड मेरा गला जाम हो गया गला रुध गया आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की बट दे हंग एज डेड वेट पर वे निर्जीव बोझ की तरह लटके रहे हंग माने लटकना डेड माने निर्जीव मृतक वेट माने बोझ पर वे निर्जीव बोझ की तरह मेरे अस्तित्व के साथ लटकती रहे पैरलाइज्ड एंड रिजिड लकवाग्रस्त रहे और रिजिड कठोर जड़वत रहे ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर एक बड़ी शक्ति ग्रेट फोर्स बड़ी ताकत पुल माने खींचना अंडर माने नीचे एक बड़ी ताकत मुझे नीचे खींच रही थी आई स्क्रीम्ड मैं चीखा बट ओनली द वाटर हियर्ड मी पर मेरी आवाज़ किसी और ने नहीं सिर्फ पानी ने सुनी आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल और फिर मैं ताल के तल में यानी जलाशय के तल में अपनी लंबी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी स्टार्टेड माने प्रारंभ करना लॉन्ग जर्नी माने लंबी यात्रा बैक माने वापस मैं जलाशय के तली में अपनी लंबी यात्रा फिर से प्रारंभ कर दिया आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन नीचे जाते हुए मैंने पानी पर जोर आजमाइश की स्ट्रक माने प्रहार करना मैं नीचे पानी में नीचे जाते हुए जोरदार प्रहार किया स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फ्लाई फाइट्स इन इरिस्टेबल फोर्स मैं अपनी शक्ति उस तरह व्यय कर रहा था अपनी शक्ति को उस तरीके से खर्च कर रहा था एक्सपेंड माने खर्च करना स्ट्रेंथ माने ताकत मैं अपनी शक्ति को उस तरह खर्च कर रहा था एज जैसे वन इन नाइट मेयर फाइट एन इरिस्टेबल फोर्स जैसे एक भयानक स्वप्न नाइटमेयर माने भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी अपराजेय शक्ति से लड़ रहा हो इरेस्टेबल फोर्स माने अपराजेय शक्ति आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रीथ मैं अपनी पूरी सांस खो दिया यानी मेरी पूरी सांस फूल चुकी थी माई लंग्स एच्ड मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था माई हेड थ्रॉब्ड मेरा सिर धक धक कर रहा था धड़क रहा था आई वॉज गेटिंग डिजी मुझे चक्कर आ रहा था डिजी डिजी माने चक्कर आना बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी लेकिन मुझे आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी मैं अपनी योजना को अपने तौर तरीकों को याद किया आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क आउट टू द सर्फेस क्या मैंने सोचा था कि मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा और कार्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा यही तो मैंने सोचा था देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ और फिर मैं ताल के ऊपर कह सकते हैं देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल मैं जलाशय के किनारे पर आ जाऊंगा एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा यही मैंने पूरी प्लान बनाई थी लेकिन हुआ क्या बिल्कुल उल्टा आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली मैं नीचे नीचे अनंत रूप से जाता गया या चलता गया आई ओपेंड माई आइज मैंने अपनी आँखें खोली नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो वहाँ पीले पीले जो पानी था चमकते हुए पीले पीले पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था डार्क वाटर बिल्कुल काला काला पानी अंधेरा पानी दैट नन कुड नॉट सी थ्रू जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कुछ नज़र नहीं आ रहा था एंड देन और तभी शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी मुझे अत्यधिक भय ने या कह सकते हैं कि मुझे अत्यधिक भय ने डर ने मुझे पूरी तरीके से घेर लिया टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग भय
जहाँ पर कोई समझ काम नहीं करती है। टेरर भय दैट नोज नो कंट्रोल, भय जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है अर्थात जो बेकाबू हो जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, भय वही जान सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। आई वॉज सीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, सिक माने चीखना। आई वॉज पैरलाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे कह सकते हैं लकवाग्रस्त हो चुका था। स्टिफ कठोर था, रिजिड विथ फियर और डर के मारे जड़ हो गया था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे निकलने वाली चीख यानी मेरे गले से निकलने वाली चीख भी जड़ हो गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा दिल मेरे सिर के धड़कन यह मुझे बोल रही थी, मुझसे कह रही थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित हूँ। एंड देन और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर आतंक के बीच, केम ए टच ऑफ रीजन, और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात मुझे याद आ गई। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प, मुझे कूदना, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। मुझे एक बात केवल समझ में आई कि जब मैं तल पर पहुँचूँ तब मुझे छलांग लगाना ही लगाना है। अंततः मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों को थोड़ा सा फील किया, थोड़ा सा महसूस किया, मानो उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पाँव ही आगे बढ़े हों। अपनी ताकत लगा करके, यानी पूरी ताकत जितनी थी उतनी लगा करके मैं कूदा, परंतु मेरी छलांग में कोई अंतर नहीं आया। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, यानी जितना हो सकता था उतना मैंने ताकत लगा करके कूदा, लेकिन कोई अंतर नहीं आया। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, आधा जो पूरा बच रहा है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले आप यहाँ तक अपना देख लो, और उसके साथ मल्टीपल टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उसको भी हम लोग उसी सेकेंड वीडियो में देखेंगे और एंड किया जाएगा। तब तक आप इतना इसको देखो। ओके।